हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर का नाम है एलसीएम पॉलीनोमियल बहुपदों का लघुत्तम समापवर्त जो एक्सरसाइज 2 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। फाइंड द एलसीएम ऑफ पॉलीनोमियल। तो हम बहुपद का एलसीएम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन 10 है सी नंबर एक्स क्यू माइनस 3x² + 2x x^4 - x³ - 2x². तो इसको हम कैसे निकालेंगे एलसीएम, देखिए लिखेंगे सॉल्व x³ - 3x² + 2x। तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें तीनों पद से x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x² - 3x + 2। अब इसको फैक्टर करेंगे तो ये क्या क्या लेंगे, ऐसा दो डिजिट लेंगे जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3x और मल्टीप्लीकेशन करने प्लस टू आना चाहिए। तो इसको हम ले लेंगे x² - 2x - x + 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1 है तो -2 और -1 को ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 - -1 = +2 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसको फिर x को बाहर ही रखेंगे और इसमें मझौला कोष्ठक देकर इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x - 2 और इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 2 और मझौला कोष्ठक से बंद कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए x - 1 ये पहला हो गया और x - 2 दूसरा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे x - 1 - x - 2 ये पहला पद का जो है पॉलीनोमियल का पहला फैक्टराइजेशन हो गया। अब सेकंड क्या बोल रहा है x² - 3 - x³ - 2x². तो इसको हम करेंगे तो लिखेंगे x^4 - x³ - 2x². तो यहाँ पे x² कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x² - x - 2। तो ये फिर इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए x² बाहर ही है। अब यहाँ पे मझौला कुछ डालेंगे और लिख देंगे x² - 2x + x - 2। इसमें से एक्स कॉमन लेंगे x - 2 यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो x - 2 तो ये हो जाएगा। अब इसको सेम ऐसे ही लिखते जाएंगे x³ कॉमन फिर x+1 को ले लेंगे x+1 - x - 2। ठीक, इसको अब ऐसे लिख देंगे x² - x+1 - x - 2। अब देखिए एलसीएम लेना है एलसीएम इसमें से और ये दोनों पहला पद और दूसरा पद से एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए हम लोग जानते हैं मैक्सिमम पावर वाला को लेंगे इसलिए LCM = x² है तो x² ले लेंगे। फिर यहाँ पे x+1 है और यहाँ पे x - 1 है, यहाँ पे x - 2 है और यहाँ पे x - 2 है। तो यहाँ देखिए क्या कह लेंगे x + 1 - x - 1 - x - 2 ले लेंगे। अब जो क्वेश्चन बोला है कि जितना भी एलसीएम निकलेगा वो बहुपद के टर्म में निकलेगा यानी कि सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो देखिए सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा,
एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स पावर फाइव माइनस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे एक्स पावर फाइव माइनस टू एक्स पावर फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है। डी देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, डी है बाईस एक्स क्यू प्लस चौवालीस एक्स स्क्वायर प्लस बाईस एक्स, ठीक। और इसमें दूसरा पद है थर्टी सिक्स टू एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों का एलसीएम निकालने हैं, तो एलसीएम कैसे निकलेगा? फर्स्ट को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्वेंटी एक्स क्यू प्लस फोर्टी फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी टू एक्स। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी टू एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा। इसको हम फिर आप फैक्टर करेंगे तो ट्वेंटी टू एक्स एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर इसका आ जाएगा। फिर ट्वेंटी को फैक्टर करेंगे अलग अलग तो टू इंटू एलेवन इंटू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। अब दूसरा टर्म जो दिया है थर्टी सिक्स टू एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको लिखेंगे थर्टी सिक्स एस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स कमा लेंगे, टू एक्स कमा लेंगे तो एक्स प्लस वन लेंगे तो एक्स प्लस वन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे थर्टी सिक्स को लिखेंगे टू इंटू एटीन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये वाला कमा लेंगे और इंटू टू एक्स प्लस वन, हमारा आंसर क्या आ गया जाएगा, एक यहाँ पे है और यह एक यहाँ पे, टू इंटू एलेवन एक्स इंटू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो लिखेंगे टू टू कॉमन है तो टू लेंगे, एलेवन और एटीन आ जाएगा, एलेवन इंटू एटीन इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स है और इसमें एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए x प्लस वन द होल स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस वन है केवल तो इसको लेंगे x प्लस वन द होल स्क्वायर, x प्लस वन द होल स्क्वायर और ये 2x प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन लेंगे। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू एलेवन इंटू एटीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 एक्स स्क्वायर आ जाएगा इंटू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर इंटू टू एक्स प्लस वन
आ जाएगा। अब इसको हम जानते ही हैं क्या लिख सकते हैं, 396 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 1 को। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री नाइन्टी सिक्स और एक्स स्क्वायर वो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमें टू एक्स पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 396 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x पावर 4 प्लस x पावर 4 प्लस 4x के पावर 4 प्लस 2x क्यू प्लस 2x क्यू प्लस x स्क्वायर। पहले 2x क्यू से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, फिर x स्क्वायर को ये तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब देखिए सबको 2x पावर 5 और ये दोनों एक्स पावर 4 है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, 396 इंटू 2x पावर 4 प्लस ये 4 प्लस 1 है तो 5x पावर 4 प्लस 4x पावर क्यू प्लस x पावर स्क्वायर लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 396 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 792 एक्स के पावर 5 प्लस 9018 एक्स के पावर 4 प्लस 1 584 एक्स के पावर क्यू प्लस 396 एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो जो पॉलीनोमियल दिया है उसको हम एलसीएम के रूप में निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे फिर फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकल गया उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहे हैं पॉलीनोमियल के फॉर्म में ही लिखना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। यही क्वेश्चन था, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन था, इसका हल अगर ये हम कर रहे हैं तो हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ई देखेंगे तो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू और टू प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो इससे कुछ मतलब नहीं है कि टू आगे दिया है फिर प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इसको केवल फैक्टराइजेशन करके हम निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इसको लिख देंगे तो ये हमारा एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू प्लस वन तो एक्स माइनस टू आ जाएगा। अब इसको एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू आ गया। नेक्स्ट क्या दिया है, टू प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू। इसको ऐसे लिखेंगे, टू प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब इसमें से टू कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस थ्री एक्स और इसमें से माइनस एक्स कॉमन लेंगे माइनस एक्स तो क्या आ जाएगा, वन प्लस थ्री एक्स। तो ये इसको लिख देंगे
टू माइनस एक्स इंटू वन प्लस थ्री एक्स। अभी इसमें से x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू और नीचे दिया है टू माइनस एक्स इंटू एक्स वन प्लस थ्री एक्स का एलसीएम निकालेंगे, देखिए क्या आएगा। तो एलसीएम हमारा आ गया, एलसीएम आ गया माइनस एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू थ्री एक्स प्लस वन। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट तो आ जाएगा हमारा माइनस थ्री एक्स पर क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू, यही का आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लास्ट है एफ। लिखा है सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर और ये दूसरा दिया है टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सबको अलग अलग बनाएंगे तो देखिए क्या लिखेंगे। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो लिखेंगे सिक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। थ्री का मान लेंगे तो टू माइनस एक्स प्लस टू का मान लेंगे, एक्स का मान लेंगे तो टू माइनस एक्स। तो ये हमारा आ जाएगा टू माइनस एक्स इंटू थ्री प्लस एक्स। और इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो लिखेंगे टू प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लिखेंगे टू का मान लेंगे तो वन प्लस एक्स और माइनस एक्स का मान लेंगे तो वन प्लस एक्स। तो ये टू माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स। तो ये इसमें से और ये कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, टू माइनस एक्स इंटू थ्री प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस वन। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स पर क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स तो एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स। तो ये हमारा आंसर है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।